और व्यूज क्लियर होना छोड़ो, फाइनली फेसबुक का एक बेहद ही कमाल का अपडेट आ चुका है। इस अपडेट के बाद भैया आपके रील्स वीडियो पर इंस्टेंट व्यूज बढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही और दो कमाल के न्यू फीचर्स फेसबुक ने लॉन्च कर दिए हैं, स्पेशली उनके लिए जो फेसबुक पर रील्स क्रिएटर हैं। और इस अपडेट के बाद आपके रील्स वीडियो पर काफ़ी अच्छे व्यूज आने वाले हैं बिना कहीं पर शेयर किए हुए भी। तो भैया ये अपडेट आपके लिए जानना बेहद ही खास है, बेहद ही जरूरी है, तो इस वीडियो में अंत तक बन रहेगा और इस अपडेट को अच्छे तरीके से समझेगा और उसको अपने वीडियो में इंप्लीमेंट कीजिएगा तो आपका जो रील्स वीडियो है एकदम उस पर व्यूज आएंगे। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं भाई सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ अच्छे से वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो अपडेट आए हुए हैं। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर देना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको अपने फेसबुक को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर देना है। अपडेट होगा मिला होगा आपको तो आपको उसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको अपने फेसबुक को ओपन कर देना है। फेसबुक ओपन करने के बाद आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा रील्स वाला सेक्शन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो रील्स का सेक्शन है आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे है क्रिएट रील, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक अच्छा सा वीडियो लेना है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कनेक्ट दिस रील्स टू योर वीडियो, मतलब कि अब जो आपका रील्स वीडियो है वो आपके वीडियो वाले सेक्शन में भी चलेगा। अब आपके रील्स वीडियो को दो जगह से ट्रैफिक मिलेंगे, एक रील्स वाले सेक्शन से एक वीडियो वाले सेक्शन से। अब आपका जो वीडियो फॉर्मेट होता है उसमें भी आपका रील्स वीडियो है वो भी चलेगा। पहले तो सिर्फ रील्स वाला वीडियो सिर्फ 9:16 में ही चलता था, बट अब आपका जो रील्स वीडियो है वो आपके 16:9 में भी चलेगा। तो जब अब आपका रील्स वीडियो रील्स वाले फॉर्मेट में चलेगा और वीडियो वाले फॉर्मेट में चलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो रील्स वीडियो है वो वायरल होगा, उस पर अच्छा व्यूज आएगा। जो अपडेट है वो है टैग पीपल। जब आप अपने फोटो को पोस्ट करते थे फेसबुक पर तो वहाँ पे आप अपने दोस्तों को टैग करते थे, उसी तरीके से अब आप अपने दोस्तों को रील्स में भी टैग कर सकते हैं। रील्स टैग करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा टैग पीपल, आपको इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जितने भी फ्रेंड होंगे आपके बहुत सारे यहाँ पे फ्रेंड आ जाएंगे, आप जितना चाहे उतना यहाँ पे आप ऐसे ऐसे करके सारे को टैग कर सकते हैं। टैग करने से क्या होगा कि वो आपको वीडियो को लाइक करेंगे, उससे आपका जो इंप्रेशन बढ़ेगा उससे व्यूज आएंगे और आपका जो वीडियो है वायरल भी हो सकता है। काफ़ी कमाल का अपडेट है, हमें तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो इसके वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।